नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। जो लोग मुझे नहीं जानते, आई एम अ डॉक्टर कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, और ये है मेरा चैनल। इस चैनल के द्वारा मैं आप सबको हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में सिंप्लीफाइड मेडिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बहुत सिंपल भाषा में वीडियो बनाते हैं, हिंदी इंग्लिश भाषा में वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और बहुत सारे हेल्थ और हेल्थ केयर कंसर्न्स टॉपिक्स के बारे में वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, ब्राउज करिए, सर्च करिए, अपने कंसर्न्स के बारे में सर्च करिए। ब्लड प्रेशर से लेकर शुगर तक, गॉल स्टोन से किडनी स्टोन तक, आर्थराइटिस, अस्थमा, हर चीज के बारे में वीडियो आपको मिल जाएगा, और वेट लॉस भी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए, ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गॉल स्टोन्स, यानी कि पित्त की थैली में पत्थरी। पित्त की थैली में पत्थरी दोस्तों कई लोगों को अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में मिल जाती है, और फिर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं ऑपरेशन की, पित्त की थैली निकालने की, और कई लोग फिर निकल भी देते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि पित्त की थैली में जो पत्थरी आ जाती है वो क्यों आती है, किस चीज़ से बनती है, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, आपको क्या साइन सिम्टम, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ऑपरेशन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और क्या कर सकते हैं आप ताकि आप पित्त की थैली में पत्थरी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन, और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। दोस्तों आपके पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर जो होता है, ये आपके लिवर के नीचे, आपके लिवर के नीचे एक ऑर्गन है, एक ग्रंथि है। इस पित्त की थैली का काम है कि ये आपके फैट डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल के डाइजेशन में, को पचाने में काम करता है, और इसके अंदर से जो एक बाइल नाम का अर्क निकलता है, ये आपके छोटे छोटी आंत में जाके कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। सो ये बाइल आपकी पित्त की थैली से एक छोटी सी पाइप से निकलता है, जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। बाइल डक्ट से जाता है और ये आपकी छोटी आंत में निकलता है। इसके साथ दोस्तों ये पित्त की थैली के साथ पैनक्रियाज नाम का भी एक ऑर्गन होता है, इसका भी काम है आपके फैट्स को, आपकी चिकनाई को गलाने का, और ये पैनक्रियाज के अंदर से भी एक डक्ट निकलती है जो कि आपकी पित्त की थैली वाली डक्ट के साथ आके जुड़ती है, और ये दोनों मिलके फिर छोटी आंत में अपने जो एंजाइम्स हैं वो छोड़ते हैं डाइजेशन के टाइम पे। तो इन दोनों का काम है डाइजेशन का। तो इस पित्त की थैली में पत्थरी अगर आ जाए तो आपको गॉलस्टोन कहते हैं, इसे गॉलस्टोन डिजीज, कोलीलिथियासिस कहते हैं। और ये पत्थरी दोस्तों एक छोटे से कंकर से लेके गोल्फ बॉल जितनी बड़ी भी हो सकती है। कई लोगों को पत्थरी, एक अकेली पत्थरी होती है जो बड़ी होती जाती है, कई लोगों को बहुत सारी पत्थरियों का, कचरा वाले पत्थरियां भी पड़ी होती हैं, बहुत सारी छोटी 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 पत्थरियां होती हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको जो बतानी है कि पित्त की थैली में पत्थरी की वजह से कोई मेजर दिक्कत नहीं होती, पत्थरी की वजह से। पत्थरी वहां पर पड़े पड़े कुछ नहीं करती जब तक ये पत्थरी पित्त की थैली के बाहर जाने का रास्ता ना खराब करे, रास्ता ना ब्लॉक करे। अगर पित्त की थैली से जो बाइल डक्ट है उसके अंदर पत्थरी चले जाती है, उसे ब्लॉक कर देती है, आगे चल के अगर जो पैनक्रियास से डक्ट आ रही है उसका जो रास्ता आ रहा है वहां ब्लॉक कर दे, तो पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो सकता है, तो पित्त की थैली में प्रॉब्लम हो सकता है, तो शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रॉब्लम आती है अगर ये पत्थरी वहां से निकल के ब्लॉक कर दे, और प्रॉब्लम आती है अगर ये पत्थरी वहीं पर इन्फेक्शन कर दे, इन्फ्लामेशन कर दे उससे। तो पित्त की थैली की वजह से इन सब चीजों में प्रॉब्लम, तो पित्त की थैली में पत्थरी की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान ले ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा? अगर आपके पित्त की थैली से निकलने का रास्ता बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो प्रेशर से आपको बहुत तेज दर्द होगा, और ये दर्द दोस्तों इतना तेज होता है कि इंसान बैठ नहीं पाता, उठ नहीं पाता, कुछ नहीं कर पाता। और ये दर्द कहाँ हो सकता है दोस्तों? आपके पेट के ऊपरी हिस्से में, राइट साइड में हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्से में, बीच में हो सकता है, पीठ में हो सकता है, दोनों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच पीठ में हो सकता है, दाहिने कंधे में हो सकता है, और कई दफा आपको इस दर्द के साथ उल्टी भी आ सकती है, नौजियां, उपकाई भी आ सकती है। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है, जो दिक्कत सबसे ज्यादा होती है पित्त की थैली के दर्द में। कई दफा दर्द जो है
पैनक्रियास से भी उठ सकता है अगर पैनक्रियास के जो डक्ट है उसमें ब्लॉकेज आ जाए और उसके वजह से पैनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है और वो भी दर्द प्रोड्यूस कर सकता है। दर्द उसका यहीं पे बीचों बीच होता है और ये सीधा यहां से ऐसा लगता है पीछे जा रहा है पीठ में टपा बिल्कुल ऐसे, तो पैनक्रियास की वजह से भी दर्द हो सकता है। और ये जो दर्द है दोस्तों कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक रह सकता है, कई दफा इस दर्द की वजह से आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है, सीरियस चीजें हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब तक ये पथरी छोटी है आराम से पित्त की थैली में पड़ी है, ब्लॉक नहीं कर रही, इन्फेक्शन नहीं कर रही, तो कुछ नहीं करना होता, ऑपरेशन भी नहीं करना होता। तो आप डॉक्टर को कब दिखाएंगे जाके, अगर आपको दर्द है इस किसी भी प्रकार का दर्द है इस तरीके का और बहुत तेज दर्द है तो दिखाएंगे। और दूसरा कारण आप दिखा सकते हैं अगर आपकी चमड़ी, आपकी आंखें, आपकी जबान पीले पड़ रहे हैं, तो अगर आपको पीलिया हो रहा है तो दिखाएंगे। तीसरा कारण अगर आपको बुखार आ रहा है, ठंड के साथ बुखार, कपकपी के साथ बुखार, तो आप दिखाएंगे जाके। तो ये तीन मेजर कारण है जो जिसके साथ आप डॉक्टर को दिखाएंगे। आपको उल्टियां आ रही है, इंडाइजेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, ज्यादा हो तो वो भी दिखाइए। तो दोस्तों आइए देखते हैं पित्त की थैली में पथरी होगी क्यों, किस तरीके की पथरियां होती हैं। दो टाइप की पथरी होती हैं दोस्तों, एक होती है कोलेस्ट्रॉल की पथरी, एक होती है कोलेस्ट्रॉल की पथरी। ये होती है जब नॉर्मली आपकी पित्त की थैली जो पित्त बनाती है, बाइल बनाती है, इसका काम है कोलेस्ट्रॉल गलाना। कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं गला पा रही है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज्यादा है जो नहीं गल पा रहा, बच जा रहा है, तो वो जमा हो जाएगा पित्त की थैली में, पथरी बना लेगा। तो ये एक कारण है कोलेस्ट्रॉल की पथरी हो जाने का। और कोलेस्ट्रॉल वाले जो स्टोन होते हैं वो पीले कलर के होते हैं। दूसरे प्रकार का स्टोन जो गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में बनता है वो है बिलिरुबिन स्टोन, और बिलिरुबिन स्टोन जो होते हैं वो ब्राउन या काले कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के, और ये बनते हैं बिलिरुबिन से अगर आपके पित्त की थैली में बहुत ही ज्यादा बिलिरुबिन है। बिलिरुबिन क्यों होगा बहुत ज्यादा, आइए इसका कारण सोचते हैं। कारण क्या कि बिलिरुबिन क्यों होगा ज्यादा, कोलेस्ट्रॉल क्यों होगा ज्यादा। तो पहला चीज, अगर आपके पित्त में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, ये हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं या बहुत ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बना रहा है, तो आपका पित्त जो है, बाइल जो है, वो उतना सारा कोलेस्ट्रॉल नहीं गला पाएंगे और कोलेस्ट्रॉल जमा होकर पथरी बना देगा। दूसरा, बिलिरुबिन क्यों ज्यादा होगा, पिगमेंट क्यों ज्यादा होगा। बिलिरुबिन जो है ये तब आता है जब आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल खून के जो सेल्स हैं, आपके खून में जो सेल्स हैं जो हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं, जब वो टूटते हैं तो वो बिलिरुबिन भी बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। सो ये एक कारण हुआ। दूसरा, जब लिवर की बीमारी होती है, जैसे लिवर सिरोसिस हो गया या बिलियरी ट्रैक, पित्त की थैली के जो रास्ता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो भी बिलिरुबिन बहुत बढ़ जाता है। तो लिवर की बीमारी, खून की बीमारी जिसमें खून बहुत ज़्यादा टूट रहा है, ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, या पित्त की थैली का रास्ता उसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा हो जाता है। पिगमेंट स्टोन, बिलिरुबिन स्टोन उससे होते हैं, उससे बिलिरुबिन की पथरी हो जाती है। तीसरी चीज जिसके वजह से पथरी होती है वो है कि अगर आपकी जो पित्त की थैली है वो पूरी तरह खाली नहीं हो रही है हर बार, अगर वो पूरी तरह खाली नहीं हो रही है ब्लॉकेज के वजह से, या उसके जो उसकी जो फंक्शन है, जो उसका कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाए किसी कारण के वजह से, नसों में प्रॉब्लम के वजह से, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें जो बचा हुआ बाइल है, बचा हुआ जो पित्त है, वो गाढ़ा होता जाएगा, और गाढ़ा 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 पथरी के ज़्यादा चांसेस होते हैं गाढ़े पित्त में, गाढ़े बाइल में। तो दोस्तों ऐसे कई रिस्क फैक्टर हैं कि अगर आपको वो रिस्क फैक्टर है तो आपको पित्त की थैली होने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे क्या रिस्क फैक्टर हैं, चलिए देखते हैं। पहला रिस्क फैक्टर है अगर आपकी उम्र 40 है या 40 से ज़्यादा है, अगर आप महिला हैं, अगर आप मोटे हैं, ओवरवेट हैं, तो आपको रिस्क ज़्यादा है कि आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब आप बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कुछ नहीं, बस खाना पीना, बैठा लेटना और मोटे होते जा रहे हैं, तो आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, बहुत कम फाइबर कम खाते हैं, तो भी आपको पित्त की थैली में पथरी हो जाएगी, क्योंकि फाइबर ज़्यादा खाने से आपके खाने पीने में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लिक्विड लिपिड होता है, उसको फाइबर एब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसलिए हाई फाइबर डाइट अच्छी होती है। डाइट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि पित्त की थैली में पथरी वाले लोगों को किस प्रकार की डाइट खानी चाहिए।
जल्दी बनाऊंगा कुछ दिनों में। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में कई लोगों को पित्त की थैली में पथरी हो रखी है तो आपके भी रिस्क ज़्यादा हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आपके रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उससे नसें खराब होती हैं, उससे मूवमेंट खराब होता है। अगर आप बहुत ही जल्दी बहुत सारा वजन लूज कर दिया, बहुत ज़्यादा वजन कम कर दिया बहुत जल्दी, तो भी आपको पित्त की थैली में पथरी हो सकती है। जी हाँ, ये भी एक कारण है। और इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, कुछ दिनों में आएगा, कि बहुत जल्दी बहुत सारा वजन लूज करना, जो बहुत सारी डाइट्स आजकल आ गई हैं, उनके वजह से कैसे पित्त की थैली में पथरी बन रही है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को। इसके अलावा हाँ, जैसे मैंने बताया, लिवर की बीमारी और कई दवाइयों में ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन्स, हॉर्मोन्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिस इन सब चीज़ों की वजह से भी पित्त की थैली का पथरी बन जाने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ों से आपको पित्त की थैली में पथरी बनने का रिस्क बढ़ेगा। अगर मान लीजिए बन गई तो क्या, बनी है पड़ी है कुछ नहीं होता, लेकिन पड़ी है से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आगे चल के, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर जो कारण है जिसके वजह से बनी है वो नहीं ठीक हो रहा है, बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया, ब्लॉकेज होगा। क्या ब्लॉकेज होगा? सबसे पहले तो ब्लॉकेज होगा अगर पित्त की थैली में पड़ी पड़ी पथरी, पित्त की थैली का रास्ता जो है बाइल डक्ट है उसको ब्लॉक कर दे, तो क्या होगा, आपके डाइजेशन में, आपकी पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको पीलिया हो जाएगा, आपको दर्द होगा बहुत सारा, और आपकी पित्त की थैली सूज जाएगी। दूसरी चीज, अगर ये छोटी पथरी आगे चल के जो पैनक्रियास से एक डक्ट आ रही है, जो नली आ रही है, उस नली को जाके ब्लॉक करते, तो क्या होगा, पैनक्रियास में प्रॉब्लम हो जाएगा, पैनक्रियास में सूजन या इन्फेक्शन हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और पैनक्रियाटाइटिस का दर्द होगा बहुत ज़्यादा, और डाइजेशन का प्रॉब्लम तो होगा ही। तीसरी चीज, पित्त की थैली में पड़े पड़े भी इसमें ये क्या होगा, हिलेगी डुलेगी, तो कई दफ़ा एक खरोच खरोच के पित्त की थैली को ही इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन कर सकती हैं। पित्त की थैली में इन्फ्लामेशन होता है, उसे कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस, और इसके वजह से भी बहुत दर्द होता है। तीनों कारणों की वजह से, चाहे ये ब्लॉक हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे इन्फ्लामेशन हो, दर्द बहुत होता है पित्त की थैली की बीमारी में, इसीलिए कई लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, पर कराना तो पड़ता ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वरना लाइफस्टाइल चेंज करो, कारण ढूंढो, उसके हिसाब से चीज करो, कुछ चीजें हैं प्रिवेंट कर सकते, लेकिन उससे पहले। चौथा दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण है कॉम्प्लिकेशन का, जिसे कहते हैं कैंसर। पित्त की थैली में पड़े पड़े पथरी कैंसर भी बन सकती है। पथरी तो नहीं बनती, पथरी की वजह से बार बार रगड़न घसरन से वो जो सेल्स होते हैं पित्त की थैली के, गॉल ब्लैडर कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पित्त की थैली में पथरी है तो आपको कैंसर होगा ही, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं, लेकिन पित्त की थैली का जो कैंसर है बहुत रेयर है, तो इसलिए आपके चांसेस कम है, बहुत कम है, लेकिन रिस्क तो रहता ही, रिस्क है तो बताना पड़ेगा, है ना। तो आइए बात करते हैं कि भाई चलिए किसका ऑपरेशन होना चाहिए, किसका नहीं। भाई बहुत सिंपल है, अगर पथरी छोटी है, पड़ी है, और पित्त की थैली का काम सही हो रहा है, कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई सिम्टम नहीं, तो ऑपरेशन नहीं। जब प्रॉब्लम आई, दर्द आई, परेशानी आई, सिम्टम आई, ऑपरेशन हाँ करना पड़ेगा। तो इसलिए रेगुलर चेक करिए और लाइफस्टाइल चेंज करिए, प्रिवेंट करिए। प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले खाना स्किप मत करिए, रेगुलर डाइट रखिए, रेगुलर खाना खाइए। जब भी आप कोई मील स्किप करते हैं या बहुत ज़्यादा उपवास रखते हैं तो आप पित्त की थैली में पथरी के चांसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो रेगुलर आदत हो जाती है, आदत नहीं रह जाती उसकी कि भाई हाँ रोज़ सुबह शाम दिन में 3 टाइम हमें बाहर फेंकना है। अगर वो कुछ दिन तक नहीं फेंकेगी, एक दिन नहीं फेंकेगी, पूरा दिन नहीं फेंकेगी, तो उसमें चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे पित्त की थैली में पथरी बनने के। फिर वजन कम करना चाहते हैं तो धीरे धीरे करिए, बहुत तेजी से वजन कम करेंगे तो भी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 से 1 किलो हर हफ्ते, एक हफ्ते में 1 किलो वजन कम करिए, उससे ज़्यादा मत करिए, 2 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसा नहीं होता, ऐसा मत करो। फिर वजन कम करने के साथ साथ मोटापा कम रखिए, पहले तो मोटापा कम करिए, वर्कआउट करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्दी डाइट खा रही हो, एक बार वजन कम हो गया तो उसे वजन को कम मेंटेन रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए, हेल्दी डाइट खाते रहिए, तो यही सबसे बड़ा कारण है। और हाई फाइबर डाइट खाइए, इन सब चीज़ों से आप पित्त की थैली की पथरी बनने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर पित्त की थैली पथरी बढ़ती गई तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ऑपरेशन बहुत आसान है, ऑपरेशन आजकल एक लैप्रोस्कोपी, 3 छेद होते हैं आपके इसमें पेट में, और छेद से कर लेते हैं, चीरा भी नहीं मारना पड़ता, पूरा पेट नहीं खोलना पड़ता, कई दफ़ा खोलना पड़ जाता है। तो ये डॉक्टर बताएगा कि आपके केस में क्या होगा। होप आपको इन सारी जानकारी से फायदा मिला है, और अगर मिला है तो पहला काम करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के साथ साथ जो साइड में बेल का घंटे का बटन है, बेल का आइकन है, उसे जरूर दबाइए दोस्तों। कई लोग वो नहीं दबाते, इस वजह से हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज जो आगे आने वाले हैं उसका आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आए। आप सोच सकते हैं 180 वीडियोज है मेरे चैनल में, आपने तो नहीं देखे होंगे 180। तो इसलिए बेल का आइकन जरूर दबाइए और चैनल जाके देखिए, बहुत सारे वीडियोस हैं आपके पसंदीदा टॉपिक के बारे में जानिए। अगली बार मैं डिस्कस करूंगा कि बहुत जल्दी वजन कम करने से कैसे पित्त की थैली में पथरी हो जाती है, और डाइट और न्यूट्रिशन क्या खाना चाहिए अगर आपको ऑलरेडी पित्त की थैली पथरी हो चुकी है। सो अगली बार तक अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए हमारा चैनल। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी। तो ये एक कारण हुआ पित्त की थैली में पथरी। दूसरा कारण पित्त की थैली में पथरी होने का है पिगमेंट स्टोन, बिलीरुबिन नाम का एक पिडिम, और कई लोगों को गॉल ब्लैडर में स्लज होता है। स्लज यानी कि बहुत सारा वहां पे वो, छोड़ दो। तो आपका बाइल जो है बिलीरुबिन है, तो आपकी पित्त की थैली जो है वो जो पित्त की थैली चल, अगर आपको कारण, ये भी एक बहुत वो बन, कोई काट दो।